तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं आप? तो कैसे हैं? वेलकम बैक हो गया हमारे एन अदर ब्लॉग के अंदर। तो जैसा कि आपको पता है, आपने अगर हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो हम आए हुए हैं गुजरांवाला। गुजरांवाला नदर मेरी मम्मी होगी। दूल्हे का पहन कहते मेरी मंगनी हो गई है। हम गुजरांवाला आए हुए थे, कल मेहंदी थी और आज बारात है। और आज बारात पे सीन ऐसे है, रांझणो और मंजनों हम उठे थे सुबह के 3-4 बजे, मतलब के 7 बजे सुबह सोए थे। सोए अभी सोए नहीं। अभी घंटे बाद उठ गए हैं, तो तैयार वगैरह हो रहे हैं, तो तैयार होके बारात पे चलते हैं। और ये दो भाई हैं और दो भाइयों की, एक की आज बारात है और एक की कल बारात है, यानी कि डबल शादी है। हम यानी कि हमारे डबल भी लोग आप भी कहते होंगे डेली रूटीन पे आ रहे हैं, आ गए पुत्र जी, आ गए। हाँ, आ गए आ गए। आ गए आ गए आ गया माल आ तो गया। तैयार हो गया, ये देखें मैं भी फैंटास्टिक पप्पू बच्चा बन गया हूँ, और ये भी देखें तैयार हो रहा है। तू वाकई नहीं जाना ब्याह हाँ 1650 पे कैटरिंग करवा के आए हैं। थे? ये देखें अभी सो के वो यहाँ से उठे हैं, और सो के उठे हैं। अभी थोड़ा सा वेट हो रहा है, इस ये तैयार हो रहा है और दूल्हा भी तैयार हो रहा है, उसके बाद चलते हैं शादी पे। ये लाहौर वालों का कमरा है, ये जो भाई लाहौर से हैं ये भी भाई लाहौर से हैं और हम भी लाहौर से हैं। लाहौर वालों के लिए अलग-अलग रूम उन्होंने अरेंज किया हुआ है। चलो जा यार, यार आ जा, बारात निकल गई है। और इसके साथ बारात के साथ साथ की जो आज की हमारी मसरूफियात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें। ये है जी हमारी मशूक, और ये तैयार हो रही है, ये फाइनल लुक। चेक दिस मैन। मैं बल्कि रेडी हो चुका हूँ इससे पहले। इसने ये पहना हुआ है और मैंने ये सिंपल ऑफ वाइट सूट पहना हुआ है, और उसके ऊपर शाल ले लूँगा मैं। तो कहाँ पे जा रहे हैं पता कुछ? कमालिया। कमालिया नहीं, नौखर वाली साइड पे जा रहे हैं हम, नौखर बारात जा रही है मेरा ख्याल है। पता नहीं यहाँ से कितना दूर है, घंटा दूर होगा, तो चलते हैं। जी वो पीछे दूल्हे की गाड़ी जा रही है, तो अभी हम बाहर आ गए हैं तैयार शहर होके। वो दूल्हे की गाड़ी में है और हम इस बेल्टा में जाएंगे। वो सिविक है दूल्हे वाली, और हमारे पास ये है बेल्टा, माय फेवरेट कार। हम इसमें बेल्टा में है और उस दूल्हे के पीछे पीछे रहेंगे, और यहाँ से हम 1 घंटे की ड्राइव है नौखर की, वहाँ पे जाके आपको मिलते हैं बारात पे। और ये हैं जी हमारे दूसरे दूल्हा साहब, गुलरेज मियाँ। ये जो गुलरेज मियाँ है, इनकी कल बारात है, आज इसके बड़े भाई की है और कल इस भाई की है। आज हम उन भाई की शादी पर जा रहे हैं और कल इसकी बारात पर जाएंगे, यानी कि लंबा व्याह। अभी यहाँ पे खड़े हुए रास्ते में, ये हमारी बेल्टा है और पीछे सारी बारात हमारी खड़ी हुई है। दूल्हे का वेट हो रहा है, वो दूल्हे की गाड़ी जैसी आएगी तो फिर इकट्ठे सारे चलते हैं यहाँ से, क्योंकि एक साथ जाएंगे तो अच्छा लगेगा ना। इतना दूल्हा पहले ना मुझे वो यहाँ दूल्हा पीछे, कैसी बात है? दूल्हे की शादी है, जिसकी शादी है वो उसकी गाड़ी पीछे है, वो अभी तक पहुँची नहीं है, और ये सारी हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं पीछे तक। हाँ जी शाह जी, जिसकी शादी है वो ही अभी तक दूल्हा ही गुम गया हुआ है। दूल्हा पता नहीं कहाँ तो चला गया है, उससे सारे पूछ रहे हैं, जैसे दूल्हा ऐसा फिर निकलते हैं यहाँ से।
मेरे जी अभी बिद बांटी जा रही है, जो कि रजब भाई खुद अपने सियाने हाथों से बांट रहे हैं, क्योंकि ये मेन करेक्टर हैं शादी के, और इसीलिए अपने स्पेशल हाथों से खुद बिद बांटी जा रही है और इनसे काम लिया जा रहा है। ये अपने काम में मसरूफ हैं। इतने दिन हम अपना शीशा देख लेते हैं, मिरर देख लेते हैं, हम कैसे लग रहे हैं आज। माड़ा तो नहीं लग रहा है ना, सही है, बस है ना। तारीफ भी कर दिया करो यार कभी कमेंट करके। तुसी कमेंट कर दियो ना, लाइक कर दियो ना, सब्सक्राइब कर दियो, बस वेख ही जांदे हो। बाकी काम भी करया करो यार। अभी हम थक वक के दोबारा उसी जगह पे आके बैठ गए हैं, सेम वही लोकेशन है, लेकिन आज हमारे साथ हाफिज नहीं है। एक बारात से हम फ्री हो चुके हैं और एक बारात कल है और परसों है वलीमा। वलीमा तो क्या ईमान भाई आपके आज समाचार थे? आज समाचार ये थे कि आज तो फर्स्ट बारात थी, यानी कि दूसरे बड़े भाई की इनकी, तो वो अटेंड किया। वहाँ पे हम गए हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छा उनका खाना था और काफ़ी अच्छी उनकी लोकेशन थी, बहुत मज़ा आया। एक्सपेक्ट इतना नहीं किया था जितना मज़ा हमें आया। तो वहाँ से आगे थे, अभी वहाँ से आके काफ़ी लेट यहाँ पे पहुँचे हैं, तकरीबन 9 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी फ्री श्री हो के अभी यहाँ पे लेटे हुए हैं, थोड़ी देर हम सो गए थे फिर दोबारा उठे हैं अभी। थकावट इस टाइम फुल है हमारे पास। हाँ तो हमें दें इजाज़त और हमें रेस्ट का मौका दें और तो मिलते हैं इंतजार करें कल के रात के भी लोग पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब ओके करके यस यस करके ओके।